नहीं नहीं मुझे हमेशा, मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, मैं आज भी बहुत खाती हूँ, पर अभी फिलहाल मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया है। तो मैं बचपन में मैं सारे दोस्तों को कहती थी, देखो दिवाली आ रही है, मुझे मेरे घर में चिवड़ा, चकली, करंजी, पूरी, सब के सब चाहिए, यू नो। तो मेरे घर में लिटरली डब्बा भर भर के सब खाने के लिए आता है और मुझे खाना बहुत पसंद है, तो दिवाली में मुझे खाना ही सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप बहुत बड़ी फूडी हैं, तो ऐसी कोई मिठाई है जो आपको बहुत पसंद हो? मेरी सबसे सबसे फेवरेट मिठाई है काजू कतली, मुझे काजू खाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सर, लास्ट टाइम कोई दिवाली जो आपकी याद आता है, फैमिली के साथ बिताया हुआ, दोस्तों का, जो आप आज शेयर करना चाहेंगे? ऑनेस्टली बचपन की ही दिवाली ज़्यादा मेमोरेबल होती है, क्योंकि आप छोटे होते हो, आप इनोसेंट होते हो, आप कुछ भी करते हो, आप भागते हो, दौड़ते हो, बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलते हो, कभी कभी मस्ती में लोगों की रंगोलियाँ ख़राब करते हो, उन्हें इरीटेट करें जिनसे आपकी बनती नहीं है, और पटाखे, स्पेशली अनार, मुझे अनार पहले से ही बहुत पसंद है, मुझे आज भी, जब इनफैक्ट मैं बड़ी हो गई हूँ और वो अनार का फैसिनेशन मुझे फाउंटेन में नज़र आता है, तो जब मैं बाहर जाती हूँ, बहुत सारी जगह पे फाउंटेन डांस होता है, मैं जाके वहाँ बैठ जाती हूँ और वो फाउंटेन डांस देखती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है। कोई भी चीज़ ऐसे ऊपर आती है और इस तरीके से ऐसे गिरती है, तो आई थिंक अब फिलहाल मेरा वो चेंज हो गया, बट मुझे अनार, चकली और स्पेशली वो स्टूपिड सी चीज़ जो वो ज़मीन में से सांप निकलता है, पता नहीं मुझे क्यों इतना पसंद था, और मुझे उसकी वो फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी लगती है, वो जली हुई फ्रेगरेंस, उस चक्कर में मैं बहुत मार खा चुकी हूँ घर पे एक्चुअली, बिकॉज मैं पूरा घर खराब कर देती थी, हर जगह पे काले चिट्टे हो जाते थे, तो फिर अब मैं वो नहीं जलाती, उसे छोड़ के सब जलाती हूँ। ये साल तो आपके लिए काफी अच्छा रहा, और लेकिन अगले साल क्या कुछ नया होने वाला है, फिर अगर फिल्मों की बात करें? फिल्मों की बात करेंगे तो नेक्स्ट ईयर मैं टॉम डिक एंड हैरी पार्ट 2 से मेरा न्यू ईयर स्टार्ट करने वाली हूँ जनवरी से, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, वेरी एक्साइटेड। एनसेंबल कास्ट है, तो यू नो कोऑर्डिनेशन बहुत मेजर इशू आए है, और मेरे डायरेक्टर साहब एक्चुअली बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सबकी डेट्स एक साथ एक वक्त पे मिल जाए, पर ये फिल्म बहुत अच्छी होने वाली है। नीरज वोरा सर मूवी लिख रहे हैं, एज वी ऑल नो ही इज़ अमेजिंग इन कॉमेडी स्क्रिप्ट, सो आई थिंक वी आर गोना हैव पीपल लाफिंग एंड रोलिंग ऑन द फ्लोर नेक्स्ट ईयर। इस साल जो है प्रेम रतन धनपायो भी आ रही है, तो उसके लिए कितने एक्साइटमेंट है आपको? मैं तो सलमान की हर फिल्म के लिए एक्साइटेड होती हूँ, मैं आई एम अ वेरी बिग जो खान्स है इंडस्ट्री में, मुझे उनकी फिल्म्स ऑनेस्टली इतनी अच्छी लगती है, एंड स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेम रतन धनपायो, सलमान सुपर्ब, ऑन टॉप ऑफ इट आई थिंक सूरज बरजातिया फिल्म मुझे हमेशा अच्छी लगती है। आई एम एनी विच वे इज़ अ वेरी फैमिली पर्सन, मुझे मेरे घर में, मैं इतने सारे फैमिली को घर पे बुला के बिठा के हम खाना वाना खाते हैं, तो मुझे जॉइंट फैमिली का जो ये चीज़ है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यू नो चाचा चाची मामा मामी बच्चे घर में, यू नो, तो मुझे उनकी फिल्में बचपन से, मतलब जब से मैं देख रही हूँ उनकी फिल्में, हम आपके हैं कौन, ऑफकोर्स मैं बचपन था तब से मुझे वो फिल्में इतनी पसंद है, सो आई एम सो हैप्पी आफ्टर सो मेनी ईयर्स, यू नो, इतने लंबे गैप के बाद मैं सूरज बरजातिया जी की एक फिल्म देख